तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के इवेंट माइक्रोग्रामिंग। जी हाँ, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट पे, जो कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी आपके साथ। बेसिकली मैं चाहता हूँ सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे नेम है और मैं डेट एंड टाइम जो है लाना चाहता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने इसकी प्रोग्रामिंग बताई थी आपको, तो चलिए अभी दोबारा जो करते हैं, फिर उसमें हम अपना वो बारी क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इवेंट किस पे करना है, शीट वन पे करना है। तो शीट वन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से वर्कशीट और यहाँ से हम करेंगे चेंज। तो सिलेक्शन वाले को हटा देता हूँ मैं, हाँ यहाँ। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ जब भी टाइप करूँ कॉलन ए में, तो बी और सी ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट एंड टाइम फिल हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पे करेंगे टारगेट डॉट वैल्यू, नहीं टारगेट डॉट ऑफसेट होगा ना, आपको टारगेट डॉट ऑफसेट 0.1। तो यहाँ पे हम ऑफसेट डॉट वैल्यू इक्वल टू डेट और सेम यहाँ पे कोड कर देते हैं टाइम का टाइम। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें एक कोड लगाना है एप्लीकेशन डॉट इवेंट एनेबल इवेंट एनेबल events equal to false और फिर इसको नीचे हम कर देते हैं true। ये दो चीज करना जरूरी है, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। साथ में मुझे ये है कि कॉलम ए में ही टाइप होना चाहिए, तो यहां हम करते हैं if target डॉट कॉलम इक्वल टू वन दैन, ये चीजें करना है अदरवाइज नहीं करना है। तो जैसे यहां पे मैं लिखता हूं पूजा, यहां पे मैं माफ कीजिएगा टू हमने नहीं किया था, टू करना है। अब मैं यहां पे पूजा डाला तो आप देख रहे हैं डेट और टाइम दोनों आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि मैं इसको चेंज ना कर सकूं, मैंने इस किसी को चेंज ना कर सकूं। यहां पे हमारा सवाल है कि कोई भी पर्सन चेंज हमारा चेंज ना हो। तो देखिए इसके लिए हमें पता करना हो, हम लोग इसको एक्सेल में कैसे करेंगे नॉर्मली। तो नॉर्मली हम जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया, हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और प्रोटेक्शंस में इसको अनलॉक कर देंगे और जितना एरिया टाइप हुआ है उतना एरिया को वापस फॉर्मेट सेल में इसको वापस हम लॉक कर देंगे। फिर इसके ऊपर हम प्रोटेक्ट शीट एंड पासवर्ड अप्लाई कर देंगे, यही करेंगे ना सर। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसकी रिकॉर्डिंग हमने प्रोसीजर को रिकॉर्ड कर लिया है। तो हमने सेल सेलेक्ट कर चुके हैं, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमारा जो सीट है जो शीट है उसको हमें यहां पे
सीट की पासवर्ड अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट और पासवर्ड हमने डाल दिया, पहला चीज ये करना पड़ेगा। फिर हम इसमें सेल्स को पूरे यहाँ पे सेल्स लॉक ट्रू करना होगा, फॉल्स सॉरी, मतलब पूरे सीट को पूरे सीट में से हम यहाँ पे हम करते हैं कि यहाँ पे सेल्स ट्रू करना है। जब ये टाइप हो जाए, जब यहाँ पे टाइप हो जाए तो हमें क्या करना है, रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन या फिर ए वन से रेंज सी 65,000, जो भी आपका एरिया है उस एरिया को सेलेक्ट करवाएंगे। एंड एक्सेलेस आप डॉट यहां पे लॉक इक्वल टू ट्रू कर देना, ठीक है, इक्वल टू क्या कर देना हमें, ट्रू कर देना। अब इसमें क्या करना है, इसमें ए उसके बाद हमें इसको सीट वन डॉट प्रोटेक्ट और यहाँ पे पासवर्ड आ गया। तो एक बार रन करने से पहले, मतलब काम करने से पहले सीट को प्रोटेक्ट कर दीजिए, पासवर्ड 12 देंगे एंड ओके आगे बढ़ो। अब देखिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिया ओम, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, डेटा आ गई। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इंदर, डेटा आ गया। यहाँ दे रहा हूँ मोहन, डेटा आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ ओम को ओम कुमार कर दूँ, तो देखिए नहीं हो पा रहा है। मैं चाह रहा हूँ इसको कुछ कर दूँ, नहीं, मैं चाह रहा हूँ इसको कुछ कर दूँ, नहीं, तो यहाँ होगा, यहाँ एंट्री होगा, एंट्री होगा, बट बाकी जगह पर एंट्री नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया, कुछ लोग ऐसे चलाकी करेंगे कि डेट यहाँ डाल देंगे, अब डेट डालने के बाद देखिए डेट डाल देंगे और यहाँ पे टाइम डाल देंगे और फिर जैसे यहाँ पे जाएंगे एंट्री करने, एंट्री नहीं होगा, समझ गए। यहाँ पे मैं ओम कर दिया, अब एंट्री हो जाएगा। तो अब इसमें कोई एंट्री चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पूरे सीट को अनप्रोटेक्ट किया, पूरे सेल को, जितना भी सेल है सारे सेल की लॉक को हटा दिया। उसके बाद हमने अपनी जो परफॉर्मेंस देनी परफॉर्मिंग की, उसके बाद हमने क्या किया, जितना एरिया हमारा टाइप हो चुका है उतने एरिए में हमने लॉक डाल दिया, सेल को लॉक कर दिया और फिर वापस हमने इसको पासवर्ड डाल के प्रोटेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि ये देखिए प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्ट होने के बाद भी हमारा टाइप हो रहा है लेकिन बाकी चीज़ों पे दिक्कत, बाकी चीज़ों पे किसी भी तरह की चीज़ों पे टाइप नहीं होगा। तो किसको समझ में नहीं आया आपको, सर ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंसेप्ट समझ में आया, प्रैक्टिस तो हर चीज पे करनी पड़ेगी, कंसेप्ट समझ में आया आपको सर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा अच्छे से समझ में आया। कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट नहीं है ना सर? नहीं। चलिए सर, अगर यानी कि आप जो बोल रहे हैं कि हर सेल में लॉक हो गया, जी जी जी, यानी कि अभी A8 पे अगर अभी टाइप करेंगे तो नहीं हो? नहीं नहीं, अगर इसको बेटर समझना है तो आपको याद करना पड़ेगा मेरा प्रोटेक्शन मेथड वाली क्लास, जो कि मैंने आपको एक्सेल एडवांस एक्सेल कोर्स में दी थी, प्रोटेक्शन मेथड, उसको याद करना पड़ेगा तब जाके सॉल्व होगा। ओके सर, तो इसी तरह से यहाँ और भी प्रोटेक्शन है, इवेंट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिवेट सीट, एक्टिवेट होने पर बिफोर डबल क्लिक, बिफोर राइट क्लिक, कैलकुलेट, डीएक्टिवेट,
किसी लिंक पे क्लिक करें, पिवट टेबल को रिफ्रेश करें, तो ये चीज आप देख पा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए इसमें क्या ये चीजें क्या है, जैसे अप्लाई करने का मेथड है, क्लिक कर दिया अप्लाई करने का मेथड है, बस इसके अंदर जो कोड लगेगा वो कोड वही कोड लगेगा जो हमने प्रोग्रामिंग में सीखी है, वो सेम कोड यहाँ लगना है, इसमें कोई अलग कोई डिफरेंट कोड नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सबकी प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस करने के बाद हम कल से जो है, क्योंकि आज कुछ लोग आए भी नहीं है, तो कल से जो है हम जो है इसमें बात करेंगे वर्कबुक के इस पे, कि एक बुक के ऊपर किस तरह से, जैसे फाइल ओपन होने पे क्या, वो एक्टिवेट होने पे क्या हो सकता है, ये दिख रहा है आपको, ये सारा जो सारा आपको मैं आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, और हम इवेंट माइक्रो को फिनिश कर मूव करेंगे फंक्शन की तरफ, ठीक है सर। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में।